देखो WPS कंपनी से सर। कितना जल्दी रिस्पॉन्स आने लगा, ये भी सोचो। ठीक है, जी हमने सर, एक स्टेप लिया और रिजल्ट आने लगा। ठीक है, तो दैट हैपेंस इफ यू अप्लाइड एवरी डे, धीरे 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 करके आपको रिस्पॉन्स आते जाएंगे, ये फिक्स है। और इसी तरीके से आपको क्या बोलते हैं, थोड़े दिन और कर लोगे ना तो एक्सीलेंट रिस्पॉन्स आ जाएगा कंपनी की तरफ से। और हमें कोई भी डे विदाउट एनी गैप ऐसा नहीं करना है कि अप्लाई नहीं करना है, ओनली सैटरडे संडे डोंट अप्लाई। ठीक है, सैटरडे संडे अप्लाई करने की जरूरत नहीं, उस दिन प्रिपरेशन करिए। अदर डेज जस्ट अप्लाइड एवरी डे, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, दैट्स इट। ठीक है, और ये देखेंगे आप लोग, मैं आपको दिखाने वाला हूँ 15 दिन के अंदर आप में से किसी न किसी का तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा सोच है, लेट्स सी। बट डोंट बी लाइक गैप फॉर एनी डेज, एवरी डे अप्लाई करना है। कल है आपका टेस्ट, और कोई टेस्ट में ये नहीं करेगा कि सर मैंने नहीं दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं है, टेस्ट हमें अटेंड करना है। रीजन पेपर में आपको दे चुका हूँ, कैसा पेपर है, पेपर में ऑब्वियस ही बात है, व्हाट इज BIM, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, OV क्या होता है, BEP क्या होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपके ये LODs क्या होती है, 2D 3D 5D तक क्या होता है, 8D क्या होता है, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, रैबिट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन सारे डिस्क्लोज हैं। और 2 PDF से आएंगी, एक PDF आपको बता चुका हूँ जो आप लोग उम्मीद करता हूँ पढ़ चुके होंगे, और एक आज देने चल रहा हूँ वो छोटा सा मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों से क्वेश्चन रहेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ है ही नहीं, टेंशन ही खत्म। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी जस्ट कंप्लीट दैट टास्क, उसको पढ़ लेते हैं जो कल हम लोग टेस्ट में आने वाला है, और कल हम लोग उसको टेस्ट करेंगे और अच्छे से स्कोर करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। और उसके बाद गाइस जो भी आज अप्लाई करिएगा आप लोग, अपडेट करके हमें एक्सेल शीट जरूर से जरूर भेज दीजिएगा। अभी किसी ने भेजा है कि नहीं? ठीक है, अभी नहीं भेजा है, क्लास के बाद आप सभी लोग एक्सेल शीट जरूर भेज देंगे। ठीक है, चलिए ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस जो कि हर एक बीम के इंटरव्यू में मतलब अभी तक पूछे ही पूछे जाते हैं। अब खुद ही सोच लो, कोई बीम का इंटरव्यू होगा तो पूछेगा कि नहीं पूछेगा, व्हाट इज बीम या फिर व्हाट इज BIM, हाउ डज इट वर्क, तो आपको क्या आंसर करना है। BIM स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, विच इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स। इतना भी बोल दिया तो समझ जाइए कि हाँ, इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि आपको BIM क्या होता है ये पता है। बट आपको और इम्प्रेशन अच्छा करना है अपना, यू कैन से कि BIM वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ 3D मॉडल दैट इंक्लूड वेरियस डाटा पॉइंट्स सच एज डाइमेंशंस, मटेरियल एंड कॉस्ट। ठीक है, पर्याप्त है वैसे तो, बट इफ यू वांट टू ऐड मोर, यू कैन से कि BIM हेल्प स्टेक होल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू कोलेबरेट इफिशियंटली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। और बिलीव करिए, अगर ये तीनों आंसर आपने दे दिए तो आपकी ये तो मतलब एकदम से इम्प्रेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो आंसर देना ही देना है कि BIM स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल, ये क्वेश्चन कल का फिक्स है कि लिखना है आपको। विच इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बीम वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ 3D मॉडल दैट इंक्लूड द वेरियस डाटा पॉइंट्स सच एज डाइमेंशंस, मटेरियल्स एंड कॉस्ट। बीम हेल्प्स स्टेक होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू कोलेबरेट इफिशियंटली इन एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे BIM में पूछा ही जाने वाला है, आप खुद सोचिए ना, ये जो हर कोई पूछेगा क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग BIM, क्यों यूज करें BIM को। दे कैन से BIM इनहेंस कोलेबरेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बीम रिड्यूस द एरर्स एंड ओमिशंस इन द प्रोजेक्ट। मतलब छोटे छोटे जोखिम, छोटे छोटे एरर्स को ये सॉल्व कर देता है बीम। और क्या करता है, सेव द कॉस्ट एंड टाइम बाय आइडेंटिफाइंग द इश्यूज ऑफ द डिजाइन फेसेस। आप बोलोगे सर कैसे टाइम और कॉस्ट बचाता है, टाइम ऐसे बचाता है कि एक ही फाइल के अंदर सारे लोग काम कर रहे हो, कोई दिक्कत हुई आपने जस्ट उनको शेयर किया कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके उस टीम के मेंबर ने तुरंत उसको सॉल्व कर दिया, आपका टाइम बचा, आप उस चीज को जल्दी से सॉल्व कर लिए, तो इससे क्या हो गया, मेरा काम जल्दी हो गया। अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ तो मेरा काम जो 10 दिन में होना था वो काम कितने दिन में हो गया गाइस, वो काम हो गया 10 मिनट के अंदर, तो 10 दिन की सैलरी मेरी बची ना। तो इस तरीके से मेरे क्या कॉस्ट बच रहा है, और भी कई रीजन है कॉस्ट बढ़ने के, जैसे कि यहाँ पर पता चल जाता है कि कब कितना मटेरियल्स यूज में आने वाला है। तो हम क्यों बहुत बड़ा सा वेयर हाउस लें, जितना मटेरियल की हमें जब जरूरत है हमको पता ही है, उतना मटेरियल हर महीने मंगवाते जाएं, यूज करते जाएं, तो हम बड़ा से स्टोरेज मटेरियल के लिए रेंट बहुत ज्यादा पे करें, कोई सेंस नहीं है उस चीज का।
बीम इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और भी बहुत से कॉस्ट के हैं गाइस इसमें, जैसे कि आप डेट ऑफ पोजिशन दे सकते हो कि इस डेट को प्रोजेक्ट बन जाएगा, उससे लेट करना आपके प्रोजेक्ट का इंप्रेशन खराब करेगा। कोई बोले आपसे कि 2032 में आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा, आप उसको पैसे ही नहीं देंगे 50 लाख रुपए, लेकिन जैसे आप बोलते हैं 2027 में दे देता हूँ, हर कोई आराम से हैप्पी होके आपको दे देगा प्रोजेक्ट, मतलब ठीक है भैया लो 50 लाख रुपए ले लो, ठीक है। तो मतलब जब टाइम पर किसी चीज को क्या बोलते हैं, किसी को कुछ मिल जाता है, बोलो कि सर 2027 को, फिर तो जब 50 लाख मिलना ही है, मैं 2025 बोल देता हूँ, बोल दीजिए। जैसे आप 2025 बोलेंगे कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। अभी रेरा का रूल है, क्या रेरा का रूल है, रेरा कहता है कि अगर आपने टाइम पर पोजीशन नहीं दे पाए तो फिर आप जितने महीने लेट करोगे हर महीने आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि लगभग रेंट के बराबर होता है। मतलब अगर 100 लोगों ने आपसे फ्लैट खरीदा हुआ है, सबको आप 15,000 रुपये रेंट देंगे हर महीने जब तक कि आपका प्रोजेक्ट चलेगा। पता चला आपने झूठ बोल दिया था 2026, 27 में कंप्लीट हुआ, 1 साल का आपका पैसा बर्बाद हो गया। तो अगर ये कैलकुलेट किए होगे एक्यूरेट कितना टाइम लगेगा, तो पैसा बचने का चांस है, और फिर आपको उधर इतना 1 साल का सैलरी नहीं देना पड़ेगा किसी को। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बीम मेच्योरिटीज, बीम में अलग अलग मेच्योरिटीज लेवल होती है गाइस, ठीक है। ये भी शायद क्वेश्चंस है कल के आपके टेस्ट में, तो आपको बताना है कि एक होता है लेवल जीरो, क्या होता है लेवल ऑफ मेच्योरिटी बोला जाएगा, लेवल ऑफ बीम मेच्योरिटी। नो डिजिटल, सॉरी नो कोलेबरेशन एंड नो यूज ऑफ डिजिटल मॉडल्स, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लेवल जीरो। क्या बोलते हैं गाइस उसको, लेवल जीरो। लेवल वन क्या होता है गाइस, डिजिटल मॉडल यूज्ड फॉर विजुलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। लेवल वन क्या है, डिजिटल मॉडल यूज्ड फॉर विजुलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशंस। लेवल टू क्या है, कोलेब्रेशन थ्रू अ कॉमन डाटा इन्वायरमेंट, CDE, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने, कई लोगों ने केवल मॉडल बनाया हुआ था, तो आप लोगों ने लेवल वन ऑफ द बीम काम किया हुआ है, मेच्योरिटी लेवल में लेवल वन तक काम किया है आपने, डिजिटल मॉडल बना लिया, विजुलाइजेशन करा दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, इतना कुछ लोगों ने किया था अपने पोर्टफोलियो में। इसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है गाइस, कोलेब्रेशन थ्रू द कॉमन डाटा इन्वायरमेंट, CDE के थ्रू, मतलब एक दूसरे से क्लाउड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, और वो होता है आपका लेवल टू, जो कि आपको कंपनी में देखने को मिलेगा, या फिर रेवी स्ट्रक्चर्स में अगर आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं, वर्क शेयरिंग होता है, ठीक है। मेरे खुद के वीडियोस भी हैं उस पे, तो वर्क शेयरिंग कर सकते हो, तो वर्क शेयरिंग से आप वो काम कर लोगे। और उसके बाद गाइस लेवल थ्री आएगा, जो आप कंपनीज के अंदर देख पाओगे, सिंगल और फुल इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल, ठीक है। एक ही मॉडल में सारा काम हो रहा है, इसको बोलते हैं फुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल। एक मॉडल मैं आपसे बनवाने वाला हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, जिस मॉडल को आप स्टार्ट टू एंड बनाएंगे और इस लेवल पर बनाएंगे, लेवल थ्री पे आपको लगभग मैं कुछ समय दूंगा, लगभग 4-5 दिन का समय दूंगा, जिसमें फुल इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल। एक ही मॉडल के ऊपर आपको आर्किटेक्चर में भी वर्क करना पड़ेगा, रेबिट आर्किटेक्चर में, रेबिट स्ट्रक्चर्स में, और रेबिट MEP में कंबाइंड काम करेंगे। आपको भरपूर समय दूंगा, उस प्रोजेक्ट को आप अपने पोर्टफोलियो में लास्ट में ऐड करिएगा, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो को लास्ट में कोई देखे तो खुश हो जाए कि हाँ यार इस लेवल का काम। मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको दूंगा लगभग नेक्स्ट वीक में, इस वीक में नहीं, ठीक है, उससे आपको वो भी और फायदा हो जाएगा। तो गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बीम मेच्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिया कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग BIM, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ लिया व्हाट इज BIM, हाउ इट इज वर्क, ये तीनों बेस्ट है। अब चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, हर एक कंपनी में उसको बोलते हैं व्हाट इज BEP, क्या पूछा जाएगा इस, व्हाट इज BEP, इसमें हाईलाइट में कलर नहीं बदल सकते हैं क्या इस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक कलर है, तो एक सोच रहा हूँ कलर बदल जाए तो अच्छा मजा आएगा, तो रेड कलर है तो हो नहीं रेड कलर, अच्छा ये तो इसका है, आई थिंक हाईलाइट में एक ही कलर होता है, ठीक है चलो इसी से काम चला लेंगे। व्हाट इज BEP, ये क्वेश्चन फिक्स है, कल तो आया भी है आपके पेपर में, ये दिया है मैंने क्वेश्चन। BEP क्या होता है गाइस, बीम एग्जीक्यूशन प्लान, BEP स्टैंड फॉर बीम एग्जीक्यूशन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इज द डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द बीम रिक्वायरमेंट. क्या करता है गाइस, ये आउटलाइन करता है बीम की जरूरतों को कि बीम में क्या क्या चीजें आपको करना है, बीम रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. और सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या क्या उसको चाहिए. बीपी हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग बीआईएम. और बीआईएम का काम क्या है, बीआईएम करता है गाइस, सॉरी बीपी, बीपी हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क. क्या करता है गाइस, ये फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है फॉर कोलेबरेशन, कोलेबरेट करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, अमोंग द स्टेक होल्डर्स. आसान भाषा में बताता हूँ बीपी का काम क्या है, ये लाइन पर्याप्त है. बीपी बीम एक्जेशन प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द बीम रिक्वायरमेंट्स. क्या करता है, एक आउटलाइन बनाता है कि बीम की क्या क्या जरूरत है, इसमें क्या क्या चीजें करना है. एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है. जैसे आप एक कोई एक मैरिज किसी का हैंडल कर रहे हो, मान लीजिए अपने भाई का, अपने बहन का, किसी का भी, आप पूरा एक मैरिज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइज करने का आपके ऊपर है. तो आप क्या करोगे, आप एक प्लानिंग करोगे कि इस तरीके से इस चीज में ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए, खाने का सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये रेसिपी होनी चाहिए. आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इतने ढेर सारे लोग, मान लो 1000 लोग आने वाले हैं, कैसे मैनेज करोगे, ये रेसिपी कैसे कैसे बनाना है, वो आप प्लान करोगे. उसके बाद आप प्लान करोगे कि जो गेस्ट आएंगे वो कहाँ पर रहेंगे, उनके रहने की जरूरत फिक्स करोगे. उसके बाद प्लान करोगे वो लोग खाएंगे कहाँ, फ्रेश कहाँ होंगे, सोएंगे कहाँ, दैट एवरीथिंग यू गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. उसके बाद बेसिक नीड्स उनकी देखेंगे, किसी को तेल चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये सब फिक्स करेंगे. आप इसको एक पूरा का पूरा एक लिस्ट बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं कि ऐसे 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 पूरे काम को करना है. उसमें एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि मुझे इस फंक्शन के लिए ऐसा तैयारी करवाना है, इस फंक्शन के लिए ऐसा तैयारी करवाना है. तो क्या हो गया, अलग अलग फ्रेमवर्क, बट है कोलेब्रेशन है. मतलब एम क्या है, एम है मैरिज, ठीक है, बट फ्रेमवर्क क्या है, कोई विदाई का समारोह है, कोई हल्दी का समारोह है, अलग अलग फ्रेमवर्क है. और उस फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या करना है वो आउटलाइन बनाना, दैट इज कॉल्ड बीईपी, बीम एजुकेशन प्लान, ठीक है. तो और उसमें हम लोग सामने वाले की एक्सपेक्टेशन और इच्छाओं को भी जानते हैं, ठीक है, सामने वाले की क्या जरूरत है, उसको क्या चाहिए. तो एक्सपेक्टेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसी को बोलते हैं बीईपी. इस पूरे पीडीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है गाइस. अब आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया, शादी वाला एग्जांपल तो समझ में आ गया, बट क्या बोलते हैं बी में कैसे होगा. बी में आपको रिक्वायरमेंट्स का आउटलाइन फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि आर्किटेक्चर में उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा व्यू चाहिए, ऐसी लैंडस्केपिंग चाहिए, ऐसा गार्डन चाहिए, ऐसा फीचर्स चाहिए, ऐसे प्लास्टरिंग चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए, ऐसा थिकनेस चाहिए, ऐसी बालकनी चाहिए, एवरीथिंग. आपने क्या कर लिया, एक आउटलाइन कर लिया, एक फ्रेमवर्क हो गया आपका आर्किटेक्चर का. स्ट्रक्चर्स में आपने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंदर फिक्स किया कि ये चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कनेक्शन इनको देखना है, अगर ऊपर एक शेड बनाएंगे तो शेड में कैसे स्टील कनेक्शन हुए हैं वो देखना है, उसके बाद इनको देखना है कि रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ जंक्शंस पर कैसे लगे हुए हैं, आपने एक फिक्स कर लिया उसको. और उसके बाद कम्युनिकेशन भी बीच बीच में कर रहे हैं आर्किटेक्चर वाले से, भाई ऐसा बना रहे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है, वो भी क्लियर हो रहा है. उसके बाद आपने एक फ्रेमवर्क बनाया एमईपी का जिसके अंदर आपने फिक्स किया कि ऐसे ऐसे डक्टिंग करेंगे, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक केबल्स जाएंगे, केबल ट्रे यहाँ से प्लेस करेंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं एएचयू यूनिट्स रहेंगी. तो सारा फ्रेमवर्क तैयार करना, दैट इज कॉल्ड बीईपी. एक बार कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है. समझ में आ गया क्या गाइस, एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है, क्योंकि ये नहीं आया ना दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, ये इंटरव्यू का फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है. चलो उसके बाद गाइस आपका ये अगर आ गया बहुत अच्छी बात है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फेडरेटेड मॉडल. बिलीव करिए लोग बीम सीख लेते हैं, कई लोगों को आप लोगों ने सुना होगा, उसे कभी पूछ लीजिएगा व्हाट इज फेडरेटेड मॉडल, बिलीव करिए वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है. बीम सीख लिया बट फेडरेटेड मॉडल नहीं पता होता है, ठीक है. तो एक्चुअली बीम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अ फेडरेटेड मॉडल इज अ बीम ऑफ सॉरी ए मॉडल इन अ बीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मॉडल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मॉडल्स क्रिएटेड बाई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग काम किया है उसको कंबाइन कर देना. जैसे कि हम लोगों ने अगर ऑटोकैड के अंदर इस चीज को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा,
सेम काम ऑटोकैड में भी होता है, ठीक है, जो यहाँ पर अलग अलग मॉडल को करके एक कर दे रहे हैं, ऐसा ही आपके ऑटोकैड के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ऑटोकैड के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं मास्टर ड्राइंग्स। सुना होगा आप लोगों ने, मास्टर ड्राइंग दिखाइए, ठीक है। तो मास्टर ड्राइंग के अंदर सारा कुछ रहता है, उसमें इलेक्ट्रिकल रहता है, मैकेनिकल रहता है, कॉलम रहेगा, उसके बाद बीम रहेगा, रेनफोर्स, मतलब पूरा का पूरा बीम का मास्टर प्लान, ठीक है। तो वैसे ही आपका एक मास्टर प्लान बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरेटेड मॉडल बीम के लैंग्वेज में, ठीक है। अ फेडरेटेड मॉडल हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द बिल्डिंग्स आर इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन एलओडीज एंड एलओआई, डिफरेंस क्या है एलओडी और एलओआई में इन बीम, ठीक है। तो ये एलओडीज आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको इसलिए हटा दे रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। एलओडी मतलब लेवल ऑफ डिटेल्स, ठीक है, एलओडी मतलब गाइस लेवल ऑफ डिटेल्स रिफर्स इन द डिग्री ऑफ द डिटेल इन अ बीम मॉडल। और एलओआई क्या होता है गाइस, एलओआई आप यहां से ध्यान से देखिएगा, बीम मॉडल के अंदर एलओडी होता है, ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल्स रिफर्स इन द डिग्री ऑफ डिटेल्स इन बीम मॉडल। और एलओआई क्या होता है गाइस, एलओआई होता है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या होता है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग्स इन अ बीम मॉडल। ध्यान से देख लीजिए, एलओआई क्या है गाइस, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिफर्स द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग्स ऑफ अ बीम मॉडल। और एलओआई और एलओडी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये डिटेलिंग कर रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एलओडी एंड एलओआई आर यूज्ड टू इंश्योर दैट बीम मॉडल कंटेन्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर द बिल्डिंग इंटेंडेड यूजेस। बिल्डिंग के लिए जो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने का काम कौन करते हैं, एलओडी और एलओआई। एलओआई मतलब लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और एलओडी मतलब लेवल ऑफ डिटेल्स। आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हमने, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलओडी एलओआई फेडरेटेड मॉडल बीईपी, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन फिक्स हैं कि आएंगे आपके। अब एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, उसका नाम है व्हाट इज रैबिट। अब ये क्वेश्चन ना पूछा जैसा हो नहीं सकता है अगर, क्योंकि आप रैबिट तो सबसे ज्यादा अपने रिज्यूम में हाईलाइट करोगे। तो रैबिट इज अ बीम सॉफ्टवेयर डेवलप बाय ऑटोडेस्क, किसके द्वारा बनाया गया था गाइस, ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वैसे बनाया नहीं गया था, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो रैबिट सॉफ्टवेयर 1997 में चार्ले करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसने बनाया था 1997 में। उसके बाद सन 2000 में उसने अपने कंपनी का नाम, उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने अपने कंपनी का नाम रख दिया है रेबिट टेक्नोलॉजी, क्या रख दिया रेबिट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद फैजान आप कल नहीं आए थे, फैजान आप कल नहीं आए थे, और रेबिट टेक्नोलॉजी रख दिया उन्होंने अपने कंपनी का नाम। और हेलो यस फैजान बोलिए, यस फैजान कल आप नहीं आए थे, सर, कल नहीं आया क्यों थोड़ा क्यों सा चला गया थे अगले सर। आपने इन्फॉर्म किया था, यस सर, आपने इन्फॉर्म किया था, नो सर, सडनली हो गया सर, मैंने कल क्लास के बाद किया फिर आपको मैसेज, सॉरी सर। याद रखिएगा लास्ट है, इसके बाद मैं आप ये फिक्स मान लीजिए, विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप गायब रहेंगे, कोई भी गायब रहेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए परमिशन नहीं दे पाऊंगा, ओके सॉरी सर, ठीक सॉरी है, याद रखिए, क्योंकि कैसे ना इसमें सब जुड़ा हुआ है ब्रदर। अब अभी तुम्हें आज का समझ में नहीं आएगा, कल का हमने बता यस दिया, आज का समझ में नहीं आएगा, कल टेस्ट है, अब कैसे करोगे, तो इसलिए एक ओके भी क्लास मिस नहीं करना है, बहुत स्पेशल क्लास है ब्रदर। अब सोचो कि मैं 5 लोगों की क्लास ले रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ मैं कितना डेडिकेशन के साथ चाह रहा हूँ कि रिजल्ट निकले, मैं चाह रहा हूँ सबका एमएनसी के अंदर जॉब लगे, मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो भाई अगर एक्चुअल ट्रेनिंग होगी तो ऐसे सिलेक्शन होगा, ये मुझे एग्जांपल दिखाना है, और अगर हम ऐसे लापरवाही करेंगे तो, और आप लेट ज्वाइन भी किए हो तो आपका वो भी छूटा हुआ है, तो क्लास मिस मत करना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद रखो, ओके ओके गाइस। किसी को भी कोई इमरजेंसी होता है जस्ट इन्फॉर्म अस, ठीक है, आप इन्फॉर्म करिए, कंपनी के अंदर भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, और हमें भी एक आइडिया रहता है ना कि अब
हम उस माइंडसेट से पढ़ाएंगे कि जो एब्सेंट थे बता के उनको भी समझ में आए, नहीं अपने तो फिर हम अब तो अपना काम करेंगे। तो गाइस 1997 में बनाया 40 कंपनी ने, उसके बाद उसको उन्होंने अपने कंपनी का नाम बदल के रैबिट टेक्नोलॉजी कर दिया 2000 में। उसके बाद 2002 में ऑटोडेस्क को पता चला तो ऑटोडेस्क ने इसको परचेस कर लिया और इस सॉफ्टवेयर का नाम ही रख दिया ऑटोडेस्क रैबिट। तो 2002 से टिल नाउ चल रहा है ये सॉफ्टवेयर। तो डेवलप बाई ऑटोडेस्क, रैबिट इज यूज टू क्रिएट द 3D मॉडल्स दैट इंक्लूड वेरियस डाटा पॉइंट सच एज डायमेंशंस, मटेरियल्स एंड कॉस्ट। रैबिट क्या करता है गाइस, रैबिट इज यूज टू क्रिएट 3D मॉडल्स दैट इंक्लूड वेरियस डाटा पॉइंट सच एज डायमेंशंस, मटेरियल्स एंड कॉस्ट। ठीक है, आप लोगों ने कॉस्टिंग के लिए ट्राई किया होगा, वेरियस डाटा भी देखा होगा। रैबिट हेल्प्स टू इनहेंस कोलेबरेशंस अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। रैबिट क्या करता है गाइस, रैबिट हेल्प्स टू इनहेंस कोलेबरेशन, क्या करता है, कोलेबरेट करने का काम करता है अमॉन्ग द ऑल द स्टेक होल्डर। आप बोलेंगे कौन कौन स्टेक होल्डर सर, आर्किटेक्चर वाले, स्ट्रक्चर वाले और एमईपी वाले, ये सब क्या हो गया, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग हो गए ना, सबको मिलाने का काम करता है, कोलेबरेशन करने का काम करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कोई पूछता है कि व्हाट इज रेविट, तो रेविट इज अ बीम सॉफ्टवेयर डेवलप बाय ऑटोडेस्क। रेविट इज यूज टू क्रिएट द 3D मॉडल दैट इंक्लूड वेरियस डाटा पॉइंट सच एज डायमेंशंस, मटेरियल्स एंड कॉस्ट। रेविट हेल्प टू इनहेंस कोलेबरेशन एमोंग द स्टेक होल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, रेविट क्या करता है गाइस, हेल्प करता है टू कोलेबरेट करने में। ठीक है, अच्छा वो नेविसवर क्या होता है, ठीक है कुछ लोगों ने सीखा भी होगा, तो नेविसवर गाइस काम क्या करता है, नेविसवर इज द बीम सॉफ्टवेयर डेवलप बाय ऑटोडेस्क। इसको भी डेवलप ऑटोडेस्क ने डेवलप किया है। कोई पूछता है कि नेविसवर में काम क्या होता है, तो बता दीजिए क्लैश रिडक्शन किया जाता है। अब बोलो सर ये क्लैश डिटेक्शन क्या होता है, क्लैश डिटेक्शन मतलब चेक किया जाता है कोई पाइप किसी वॉल से टकरा तो नहीं रही है, कोई पाइप किसी कॉलम से टकरा तो नहीं रहा, कॉलम को ड्रिल करके पाइप को क्रॉस करना समझदारी तो नहीं है, तो मतलब क्लैशिंग तो नहीं हो रही है, और क्या बोलते हैं कोई भी चीज़ एक दूसरे से टकरा तो नहीं रहे। आपका डोर आपने लगाया और डोर इतना नीचे है कि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपके सिर से टकराएगी, वो भी एक क्लैश है। आपने डक्टिंग की पाइप या फिर अपने किचन के जो लाइक डक्टिंग के लिए आप अपने चिमनी यूज करते हैं, वो चिमनी का सही से पाइप दिया है क्या, कहीं वो कोलेबरेट तो नहीं करेगा, मतलब टकराएगा तो नहीं वॉल से, क्या उसको स्पेसिफिक जगह दिया है क्या एकदम बारीकी से, वो सारे चीजों को चेक करना, दैट इज कॉल्ड क्लैश डिटेक्शन, जो कि नेविसवर करता है। उसके बाद गाइस आपका ये क्या बोलते हैं नेक्स्ट काम करता है, कंस्ट्रक्शन सिमुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है गाइस, ये सिमुलेशन का काम करता है। और तीसरा काम करता है प्रोजेक्ट का रिव्यू करता है, क्या करता है, प्रोजेक्ट का रिव्यू करता है। पहला काम देख लीजिए क्लैश रिडक्शन करता है, दूसरा काम सिमुलेशन करता है, तीसरा काम प्रोजेक्ट रिव्यू करता है, चौथा काम यहाँ नहीं दिया मैं आपको बता देता हूँ, चौथा काम करता है ये क्वांटिटिफिकेशन निकालता है, मतलब क्वांटिटी निकालता है, जिसको आप लोग 5D के नाम से जानते हो। ठीक है, और क्या है, नेविस वर्क हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एरर्स इन द डिजाइनिंग। एरर सॉल्व करता है, देखता है कोई एरर तो नहीं है उसके अंदर, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं लगाया हो। इन द डिजाइन फेसेस एंड सेव कॉस्ट एंड टाइम इन द कंस्ट्रक्शन फेसेस। बिलीव करिए अगर आपने इतना आंसर दे दिया तो सामने वाले को ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको आता जरूर है, आपको नेविस वर्क आता है, क्योंकि अगर नहीं आता तो आप इतना आंसर से आंसर नहीं कर पाते। अब किसी ने बोल दिया कि सर व्हाट इज क्लैश रिडक्शन इन व्यायाम, अभी पर बताया ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्वेश्चन बन गया ये। क्लैश रिडक्शन क्या होता है, क्लैश रिडक्शन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग कंपोनेंट और सिस्टम्स। मतलब कॉलम किसी पाइप से टकरा रही है, डक्ट किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम से टकरा रही है, मतलब आइडेंटिफाई करना, कॉन्फ्लिक्ट चेक करना उनके बीच का, इसको बोलते हैं क्लैश रिडक्शन। क्लैश रिडक्शंस हेल्प टू रिड्यूस एरर्स और एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। क्लैश रिडक्शंस हेल्प टू रिड्यूस एरर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। और क्या करता है, क्लैश रिडक्शन कैन बी डन मैनुअली, आप इसको मैनुअली भी देख सकते हो। देखो आप लोग जब कभी कोई डिजाइन देखते हो खराब बना हुआ तो आप उसको मैनुअली एडिट करते हो ना, वैसे इसको मैनुअली आप देख रहे हो तो अपने से एडिट कर दो, या फिर आजकल बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जैसे कि नेविस वर्क है, ठीक है, 4D सिमुलेशंस है, ठीक है, और एक सिंक्रो करके सॉफ्टवेयर है वो भी कर सकते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं क्लैश रिडक्शन निकालने के। अब तक का सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
पहला कौन सा था? बीईपी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज कोवी? व्हाट इज कोवी? आप शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। एंड हाउ इट इज यूज इन व्यायाम? तो कोवी इज स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, कोवी स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अच्छा जी, कोवी इज द डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोजेक्ट का डाटा, उस प्रोजेक्ट में हमको कुछ चाहिए, उठा लिया हमने। फॉर्मेट दैट अलाउज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, कोई भी ऐसा डाटा जो आपको लगता है कि यार उस प्रोजेक्ट में भी सेम रिक्वायर, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है लगभग उसके सिस्टम सेम रहेंगे हर एक प्रोजेक्ट में, साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपने कहा उस प्रोजेक्ट का डाटा मैं इस प्रोजेक्ट में ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्लांट लगभग लगभग सबके सिमिलर होंगे, उसके कुछ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, नाम बता दोगे तभी आइडिया लग जाएगा कि हाँ इनको आता है। बट और बेहतर के लिए आप यहाँ पर करिएगा, कोवी इज द डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट दैट अलाउज द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द इट्स लाइफ साइकिल। कोवी हेल्प टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन अमॉन्ग द स्टेक होल्डर इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और क्या करता है, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से आप आराम से बात कर सकते हो, एंड कोलेब्रेशन अमॉन्ग द स्टेक होल्डर इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ना घर पे एक बार बैठ के लिखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ देख के याद हो जाएगा, बिलीव करिए अच्छे से याद नहीं होगा, आप जस्ट एक बार देखिएगा, देख के अपने अपने वर्ड्स में लिखिएगा, एक बार दो बार तीन बार, जिससे कि रट जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि पूछा ही जाने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, जब हम लोग डायरेक्ट कंपनी का रिक्वायरमेंट देखेंगे तो आप देखोगे क्वेश्चंस यहीं से फंसे रहेंगे, या तो यहाँ से या फिर 11 पेज से। और एक और पढ़ाने वाला हूँ जो कि मंडे को पढ़ाऊंगा, वो तो मतलब और भी खतरनाक हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कैड? ये काफी लोगों के दिमाग में आया होगा, ठीक है, कि बीम और कैड में डिफरेंस क्या है। सर हम लोग भी कैड से भी काम करते थे, बीम से भी काम करते हैं। तो देखो, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू क्रिएशन ऑफ 2D एंड 3D ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। 3D भी बना सकते हो कैड से, आपको पता ही है। लेकिन बीम अलग क्या करता है, तो बीम इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द मैनेजिंग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स। क्या? मैनेजिंग द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बीम इंक्लूड्स द क्रिएशंस ऑफ अ 3D मॉडल इन द बिल्डिंग्स एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कंपोनेंट मटेरियल एंड सिस्टम, वेर एज कैड ओनली इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, बीम इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ द 3D मॉडल, क्या करता है ये 3D मॉडल बनाता है एज वेल एज इंफॉर्मेशन देता है आपको अबाउट इट्स कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट? आपको दरवाजे की पूरी डिटेलिंग दे देगा, बाथरूम की पूरी डिटेलिंग दे देगा, टाइल्स की पूरी डिटेलिंग दे देगा, पेंट की पूरी डिटेलिंग्स दे देगा। ये तो मतलब हर तरह की डिटेलिंग्स के लिए ये बीम आपको हेल्प करता है। वेर एज कैड ओनली इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ ड्राइंग, कैड क्या करता है केवल ड्राइंग्स बना के दे देगा, और ये ड्राइंग की हर एक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर देता है, निकाल के दे देता है कि भैया ये चीजें इसके अंदर लगी हुई है। उम्मीद करता हूँ कैड और बीम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं आएगा तो लास्ट में फिर से पूछ लीजिएगा, आई एल श्योर कि मैं आपको फिर से बता दूंगा, बस कल आप अच्छे से करिएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एज बिल्ड एंड रिकॉर्ड ड्राइंग्स? एज बिल्ड और रिकॉर्ड ड्राइंग्स, कई लोग को नाम नहीं पता रहेगा, क्या बोलते हैं, अगर इंटरव्यू जाओगे तो आप तो बता लोगे, बट कई लोग को पता ही नहीं रहेगा रिकॉर्ड ड्राइंग क्या होता है। तो देखो, एज बिल्ड ड्राइंग्स आर क्रिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखिए, एज बिल्ड ड्राइंग्स आर क्रिएटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसा बना है उसको पूरा का पूरा दिखा देना, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड ड्राइंग्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज बिल्ड ड्राइंग्स आर क्रिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रिकॉर्ड ड्राइंग क्या होता है? रिकॉर्ड ड्राइंग्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन
प्रोसेस जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस समय पर ड्राइंग को अपडेट करना एंड आर अपडेटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस। जो भी चेंजेस होती जाएंगी ऑन साइट प्रोजेक्ट काम पर होते हुए उनको एडिट करते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड ड्रॉइंग्स। ठीक है, नीचे ध्यान से देखिएगा। एज बिल्ड ड्रॉइंग्स आर यूज टू इंश्योर दैट बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड एज इंटेंडेड, मतलब कैसा बनेगा। रिकॉर्ड ड्रॉइंग्स आर यूज टू डॉक्यूमेंट द चेंज मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो रिकॉर्ड ड्रॉइंग्स देखने से पता चलता है कि ऑन साइट जब काम चल रहा तो क्या क्या चेंजिंग्स हुई उसके अंदर, उसको देखने के लिए रिकॉर्ड ड्रॉइंग्स को यूज करते हैं। और क्या मॉडल बना, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं एज बिल्ड। उम्मीद करता हूँ डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस कि आप बोलोगे सर बीम सारी कंपनियां यूज क्यों नहीं कर रही हैं। अभी भी इंडिया में लगभग गाइस 45 to 50% कंपनियां हैं जो कि बीम को यूज नहीं कर रही हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर क्यों। तो देखो बीम क्यों नहीं यूज कर रही कंपनियां, आपसे कंपनी पूछ सकती है, तो आप बता दीजिए। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द बीम अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स। ठीक है गाइस, बीम बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरा बीम पढ़ा रहा हूँ, गलत है। मैं पूरा बीम नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बीम में एंट्री करने का आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ जो कि कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करके आप कर रहे हो। लेकिन एंट्री करने के बाद अभी बीम में बहुत कुछ है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है, बीम को फॉलो करने के लिए बीम स्ट्रेटजी पूरी एक डोमेन है, और बीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा एक अलग डोमेन है। आप क्या हैंडल कर रहे हो, आप एक तरीके से बीम मॉडलिंग अभी हैंडल कर रहे हो, जिससे आपकी जॉब लग जाएगी, आप 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक के पैकेज पा जाओगे। बट इसके बाद जो मैनेजर पोजीशन होगी उसमें अभी बहुत कुछ बीम में आपको पढ़ना बाकी है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने सब पढ़ा दिया, मैंने एक चाबी दे दिया कि दरवाजा कैसे खुलेगा बीम की दुनिया का, वही हम देने का काम कर रहे हैं अभी, और 1 महीने तो इतना ही हो पाएगा। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द बीम, इस पे लोग गाइज मास्टर्स करते हैं, 2 साल का मास्टर्स होता है बीम में यूएस के अंदर, इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि 2 साल की मास्टरी भी होती है इसके अंदर। बीम अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स रेजिस्टेंस टू चेंज द रिलुटेंस एंड टू एडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। देखो कई लोग क्या करते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि यार कौन नया चीज चल के सीखे, चेंज को एडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग बहुत हैं इंडिया में, तो वो लोग सोचते हैं जान दो कंपनी में क्यों करना, हमारा काम तो ऑटोकैड से चल ही रहा है, तो वो अप्लाई नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं करते जिनको पता ही नहीं है। कुछ लोग कॉस्ट से थोड़ा सा जाते हैं कि यार इतना महंगा सॉफ्टवेयर है भाई, रेविट सॉफ्टवेयर लगभग 2 लाख रुपए का है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर, और उसके बाद अपने सारे टीम को ट्रेनिंग कराएं तो भी उनको कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग गाइस कॉस्टली होती है। तो अब इस चक्कर में सोचे इस पे क्यों पैसे वेस्ट करें। डिफिकल्टीज इन इंटीग्रेशन ऑफ बीआईएम एंड एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो, अभी जो उनका काम करने के स्टाइल है और बीम के इंटीग्रेशन में बहुत फर्क पड़ जाता है, तो इसलिए लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सभी लोग जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो ले लेती हैं स्टेप्स, छोटी कंपनियां थोड़ा कतराती हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन और आना चाहिए, हाउ कैन बी इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सस्टेनेबिलिटी क्यों कैसे ही है, क्योंकि आप लोग 6G में पढ़ते हो ना सस्टेनेबिलिटीज। ठीक है, तो हाउ कैन बीम इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटीज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो आप बताइए, बीम कैन यूज टू एनालाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑप्टिमाइज इस एनर्जी इफिशियंसी। बीम क्या करता है, बीम सोलर पैनल लगवा देगा आपको। ठीक है, 60 के अंदर सस्टेनेबिलिटी होती है, सोलर पैनल लगा दिया। अब आपने क्या किया, सोलर पैनल से क्या फायदा होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना एनर्जी को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है। आप ट्रीज को ढेर सारे लगा रहे हैं, ट्रीज को जब ढेर सारा आप लगा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप उस इन्वायरमेंट में रहेंगे जहां पर कूल ऑटोमेटिक रहेगा, पेड़ की वजह से ऑलरेडी ठंडा रहेगा आपका वहां का मौसम। तो लोग कम से कम अपने इक्विपमेंट्स लाइक एसी वगैरह को यूज करना पसंद करेंगे, तो क्योंकि भाई सबको बचत चाहिए, तो वहां से भी आपकी क्या हो रही है, एनर्जी की बचत हो रही है। आपने एक सिस्टम बना रखा है कि आपका जो पानी है जो घर में यूज हो रहा है उसके बाद उसको रीयूज करने के लिए रिसाइकिल कर ले रहे हैं, आप फिर से एनर्जी बचा रहे हैं। ठीक है, पानी को भी आपने रिसाइकिल कर लिया, गार्डनिंग करवा दिया उससे, वहां से भी आप रिसाइकिल करके पैसे वो मतलब बचा रहे हैं। उसके अलावा आपने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना दिया, जिससे कि बारिश का पूरा पानी जमीन के अंदर डलवा दिया, उससे क्या हो गया, वाटर लेवल इंप्रूव है, वो भी एक फायदा हो गया।
ठीक है। उसके अलावा आपने घर के सेटबैक्स खूब अच्छे से छोड़ दिए, सामने पीछे सेटबैक छोड़ दिया, सनलाइट पूरी तरीके से आ रही है, वहां से आपको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, आपको दिन में बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कमरों में, एनर्जी की बचत हो रही है, प्लस ह्यूमन को भी कंफर्ट हो रहा है। तो ये सभी सर्किल से हम लोग क्या करते हैं, बीम के अंदर देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सस्टेनेबिलिटी से इंप्रूव कर रहे हैं, एनर्जी को बचा रहे हैं। बीम कैन हेल्प रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी मटेरियल। देखो बीम में अभी कैसा हो गया गाइस कि आपको क्या बोलते हैं, ये कभी मैं सिखाऊंगा कंप्लीट बीम प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, तो उसका उसके बारे में बताऊंगा, तो वहां पर आपको दिखाऊंगा कि आप वाटर जो जो आपके गार्बेज है, ठीक है, आप गार्बेज को बहुत तरीके से रिसाइकिल कर सकते हो, अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके घर में जो खाने वगैरह का वेस्टेज है, ठीक है, जो गीले कचड़े हैं उनको डिकम्पोज करके खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद जो और मटेरियल्स हैं उनको रिसाइकिल करवा सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ से आप ये भी बचत कर रहे हो, अभी फिक्स हो गया है कि अगर आप अपने लाइक सिटी के अंदर बिल्डिंग बना रहे हैं तो कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको देना ही देना पड़ेगा, और आपको सोलर पैनल लगाना ही लगाना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता तो जान के रखिएगा। उसके अलावा गार्बेज रूम जिसमें डिकम्पोज कर सके अपने गार्बेज को, तो गार्बेज कूड़ा का घर आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा अपने सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी को क्लीन करने के लिए आपको प्लांट लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, जो सेटबैक्स है हर जगह पे सेटबैक्स आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बीम को इम्प्रूव करती हैं और उससे सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव होती है और लोगों का जो लाइफ साइकिल है वो कंफर्ट में जाता है, ठीक है। बीम कैन हेल्प कैन असिस्ट द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। बीम कैन असिस्ट द इन द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। और सर मेरे को बीम कोऑर्डिनेटर के बारे में पता चला कि बीम कोऑर्डिनेटर बड़ा अच्छा प्रोफाइल होता है, अच्छी सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बीम कोऑर्डिनेटर एक तरीके से बीम मैनेजर के बराबर होता है गाइस, ठीक है। अलग अलग रोल्स है, कुछ कंपनी में कोऑर्डिनेटर जूनियर मैनेजर के तौर पर इसको देखा जा सकता है, काम क्या होता है ये समझना जरूरी है। बीम कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बीम प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। क्या करते हैं गाइस बीम कोऑर्डिनेटर, क्योंकि आप अभी क्या बनोगे, बीम मॉडलर बनोगे, उसके बाद बीम इंजीनियर बनोगे, उसके बाद हो सकता है बीम लीड बनो, नहीं तो फिर बीम कोऑर्डिनेटर बन जाओगे। तो उस केस में आपका काम क्या रहेगा, बीम कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बीम प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। बीम कोऑर्डिनेटर इंश्योर द प्रोजेक्ट मीट्स बीम रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन आउटलाइन इन द बीईपी। ध्यान से, बीम बीम कोऑर्डिनेटर इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स द बीम रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटलाइन इन द बीईपी। अभी मैंने पीछे पढ़ाया बीईपी आपको। बीआईएम कोऑर्डिनेटर फैसिलिटीज कोलैबोरेशन अमंग द स्टेक होल्डर, मतलब अलग लोग डोमेन के लोग, इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जिससे कि टाइमली प्रोजेक्ट को आप सबमिट कर सके। आप बोलोगे सर बीम के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए, तो सबसे मस्ट है रेविट, उसके बाद अगर आप सीखना चाहें तो नेविस्वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और समय मिले तो बेंटली का माइक्रोस्टेशन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी काम करता है बट बहुत नहीं, ट्रिम्बल भी काम करता है बट बहुत नहीं, वेक्टर वर्क भी नेविस्वर की तरह काम करता है, तो नेविस्वर सीख लिया तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। स्केचअप भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन करे तो सीख लीजिए, बट ये नेविस्वर और रेविट तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ सीखना है तो माइक्रोस्टेशन आजकल कंपनी काफी यूज कर रही है, तो ये भी ऑटोकैड की तरह ड्राफ्टिंग का भी काम करता है और मॉडलिंग का भी काम करता है, बता दूंगा इसके बारे में भी। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन मैंने बहुत सुने हैं कंपनी में, व्हाट इज लेजर स्कैनिंग एंड हाउ इट इज यूज इन बीआईएम। क्या सुना है आप लोगों ने, व्हाट इज लेजर स्कैनिंग एंड हाउ इट इज वर्क यूज इन बीआईएम। तो गाइस लेजर स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लेजर स्कैनर। क्या करते हैं गाइस, लेजर स्कैनर होते हैं जस्ट लाइक टोटल स्टेशन की तरह होते हैं, टू कैप्चर द एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या करते हैं, वो मेजरमेंट लेते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट करके ऑफ अ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स। लेजर स्कैनर्स स्कैनिंग्स हेल्प टू क्रिएट एक्यूरेट 3D मॉडल्स। क्या करता है गाइस, लेजर स्कैनिंग हेल्प टू क्रिएट एन एक्यूरेट 3D मॉडल ऑफ द बिल्डिंग व्हिच कैन बी यूज्ड इन बीआईएम। इसको क्या करते हैं, बीआईएम यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि स्कैन टू बीम कर रहे हैं लोग, ठीक है। वैसे मैं स्कैन टू बीम के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कि स्कैन टू बीम क्या होता है गाइस। जैसे आपके पास लेजर स्कैनर है,
आप लेजर स्कैनर जैसे फारो कंपनी का है, फेरिका कंपनी का है, अलग अलग कंपनी के लेजर स्कैनर आते हैं, टोटल स्टेशन की तरह रहता है, उसको लेके गए ताजमहल के ऊपर और ताजमहल के सामने लगा दिया उसको। वहां से रीड कर दिया ताजमहल का एक एक डिस्टेंस, फ्रंट कितना है, बैक कितना है, कॉलम कितने हैं, कॉलम के अंदर जो रिंग्स बने हुए हैं कितने हैं, सारा कुछ स्कैन कर लिया उसने। जस्ट लाइक एक्सरे, जैसे आपके बॉडी का एक्सरे आपने करवाया होगा, वैसे एक्सरे की तरह वो डाटा दे देता है। ठीक है, उस डाटा को हम लोग बोलते हैं गाइस पॉइंट क्लाउड। क्या बोलते हैं गाइस उसको? पॉइंट क्लाउड। उस डाटा को हम ले जाते हैं रिकैप सॉफ्टवेयर में। कहाँ ले जाते हैं? रिकैप सॉफ्टवेयर में। रिकैप सॉफ्टवेयर में उस डाटा को, जैसे कि आप अलग अलग फ्रंट से कुछ लिया होगा, कुछ बैक से लिया होगा फोटो, कुछ साइड से लिया होगा, सबको मिला दिया जाता है रिकैप के अंदर। ठीक है, और मिलाने के बाद पॉइंट क्लाउड को आपने मिला दिया, ठीक है, फिर रिकैप से डॉट आरसीपी फॉर्मेट में फाइल को सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अभी आपको दिखाऊंगा आगे उसका प्रोसेस। सेव करने के बाद उसको रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर इम्पोर्ट कर लेते हैं, और जब इम्पोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर स्कैन करेंगे, मतलब यहाँ पर जो इम्पोर्ट कर लिया उसके बाद इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो इस प्रोसेस को, रिकैप से रेविट में लाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्कैन करना, और वो स्कैन करके आपने स्कैन टू बीम के प्रोजेक्ट पर काम किया। अब वो लोग सर वो प्रोजेक्ट कब करते हैं, मतलब वो प्रोजेक्ट कब करते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उनके डाटा, जैसे चर्च है, कोई कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, उसको लोग उसका डाटा सेव करके रखना चाहते हैं, फ्यूचर में कोई इसमें रिपेयरिंग करना हुआ, रिट्रोफिटिंग, कुछ डैमेज हुआ, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन करना हुआ, तो उन सब के लिए उन डाटा को यूज किया जाता है। तो उसको बोलते हैं स्कैन टू बीम। और कोई पूछ ले कैट टू बीआईएम क्या होता है, तो कैट टू बीआईएम फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो कैट फाइल्स का आपने रेविट के अंदर इंपोर्ट करके मॉडलिंग तैयार कर लिया, दैट इज कॉल्ड कैट टू बीआईएम। ठीक है, तो लेजर स्कैनिंग सेव्स द टाइमिंग कॉस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन द बिल्डिंग्स। पूरा बताऊंगा कैसे करते हैं, डोंट वरी, परेशान मत हो। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस, इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। एक है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद रखना है याद रखिएगा, रोल ऑफ बीम कोऑर्डिनेटर। एक सस्टेनेबिलिटी क्या है उसके बारे में लोग पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, इम्प्लीमेंटिंग का तो ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज बिल्ड और रिकॉर्ड ड्राइंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बीआईएम और कैड में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिक्स है कि पूछा जा सकता है कोवी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्लैश डिडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहीं पर याद कर डालो एलओडी और एलओआई में डिफरेंस, फेडरेटेड मॉडल, और ये तो पूछा ही जाएगा व्हाट इज बीईपी, और बीम के अलग अलग मेच्योरिटी लेवल्स, 4 लेवल्स हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 3, लेवल 2, सबके लेवल्स के बारे में मंडे को जो मॉक होगा उसमें मैं पूछूंगा ये आपसे गाइस। और उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज इन बीआईएम, ये तो चलो जानते ही हो आप लोग, एंड व्हाट इज बीआईएम तो पूछा ही जाएगा। ये हो गए सारे बीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी करंट इंडस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा रेविट के अंदर क्या पूछ सकते हैं, ये आप खुद को खुद से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है। हाउ डज रेविट असिस्ट द डिजाइनर, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। रेविट कैसे हेल्प करता है, तो रेविट ऑफर्स द वेरियस फीचर्स ऑफ द डिजाइनर, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली सिंस एवरीवन इन द टीम मे बी यूज द सेम मॉडल। एक ही मॉडल के ऊपर सभी काम कर सके, इट इनेबल इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन। क्या करता है, एक ही में बियॉन्ड 360 के थ्रू कनेक्ट करके सभी लोग काम कर सकते हैं बिटवीन स्पेशलिस्ट। ड्यू टू डिक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ रीवर्क, ठीक है, बार बार रीवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस कैन सेव द सिग्निफिकेंट टाइम एंड मनी, दोनों बचा लेता है। अब लोग सर व्यू रेंज का काम क्या होता है, व्यू रेंज का काम क्या होता है। रेविट के अंदर कुछ लोगों को पता होगा, व्यू रेंज पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो व्यू रेंज विजिबिलिटी शो करने का काम होता है, कहाँ तक आपको देखना है। द विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द व्यू कैन बी एडजस्ट यूजिंग द व्यू रेंज, ठीक है, प्रॉपर्टी बॉक्स में VR शॉर्टकट की होती है, क्लिक करके कर सकते हैं। इट कैन बी यूज हाइड टू हाइड थिंग्स दैट फॉल्स स्पेसिफिक द रेंज, ठीक है, किसी भी चीज को हाइड करना है तो जैसे कि तुमको 8 फीट तक का डिस्टेंस देखना है तो डाउन में केवल 8 फीट रखो, 10 फीट मत रखो, तो ग्राउंड नहीं दिखेगा, केवल 8 फीट से दिखेगा। 5 फीट रखना है तो 5 फीट। सीलिंग डिजाइन वगैरह जो करते हैं या फिर जो स्कैन टू बीम यूज करते हैं उनके लिए काफी इफेक्टिव होता है ये। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट पैरामीटर डिलीवर। यूजिंग प्रोजेक्ट पैरामीटर रेविट प्रोजेक्ट कैन बी टेलर्ड इन टू मीट द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, लोगों की रिक्वायरमेंट को मैच कर सकते हो। दे कैन बी यूज टू एड द डिटेल्स ऑफ द रेविट प्रोजेक्ट दैट आर नॉट टिपिकली प्रेजेंट।
जो डिटेल्स लगता है कि यार ये चीज़ होना चाहिए नहीं है, वो भी प्रोजेक्ट पैरामीटर में ऐड कर सकते हो, लाइक आर्किटेक्ट नेम, ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है जिसने बनाया उसका नाम होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके लिए काम कर रहे हो, एडिशनल प्रोजेक्ट पैरामीटर्स कैन एल्टर्स, कुछ भी अलग चेंज करना है कलर वॉल एंड एवरीथिंग, तो प्रोजेक्ट पैरामीटर में जाके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना चाहिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग लेवल्स इन रेविट आर्किटेक्चर, और मुझे लगता है आपको लेवल्स बनाना तो आता ही है अच्छे से, तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये एक्चुअली उस पॉइंट सेट से रखा गया है कि जो लोग एकदम से रेविट नहीं जानते वो भी बता सके, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएटिंग द फ्लोर इन रेविट आर्किटेक्चर, और आप लोग फ्लोर अच्छे से बनाना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बताइएगा बता देंगे, पर जरूरत नहीं आई थी। डिजाइनर नीड्स टू स्पेसिफाई द बाउंड्रीज बाई स्केचिंग, बाउंड्रीज आपको पता है ना, अगर फ्लोर स्लैब बना रहे हो अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो क्या करेगा वो, स्केच नहीं होगा, तो क्लोज होना चाहिए आपका स्केच, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़े, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गाइस जो आपने अभी तक में पढ़े, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि व्हेन यूजिंग द फैमिली एडिटर कब यूज करते हैं, ठीक है, और कैन बी बिल्ड द यूजिंग बीम, मतलब बीम के अंदर अलग अलग फैमिलीज कैसे बना सकते हो फैमिली एडिटर के अंदर जाके, ठीक है, तो ये सारे टूल्स के बारे में अगर पढ़ लेंगे, यहाँ तक ये रेविट के क्वेश्चन हैं ये सारे, और जो ऊपर पढ़े आपने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आज का हमारा टारगेट, यहाँ से लेके ऊपर तक, तो एक बार घर पे बैठ के इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जरूरत पड़े तो उसको लिख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस फंसेंगे आपके इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, देखिए अब देखिए कोई भी क्वेश्चन डालिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं डालना है आप, अच्छा चलिए क्वेश्चन नहीं डाल देते, मजा आएगा, ठीक है, देखिए यहाँ नीचे आइएगा, एक लिंक दिया हुआ है हमने, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीम में इस समय करेंट इंडस्ट्री में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको याद होगा जी, मैंने आपको ambition.com दिखाया था, क्लिक करिए तो देखिए कि क्या आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, जो अब तक मैं पढ़े उसके हिसाब से, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ज्यादा तो यहाँ पर बीम के क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है रेट वगैरह देना वो सब छोड़ दो, बीम के क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि पोर्टफोलियो जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, और उसके बाद ठीक है क्लैश डिडक्शन, देखिए अभी अभी आपने पढ़ा क्लैश डिडक्शन के बारे में, ठीक है, क्लैश डिडक्शन ऑन नेविश्वर जस्ट अभी आपने पढ़ा, इसके अलावा प्रोजेक्ट पैरामीटर आपने पढ़ा, देखिए यहाँ पर शेड पैरामीटर पूछा गया है, अगर आपको याद हो तो आपका जो नोट्स 11 पेज वाला है उसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है प्रोजेक्ट शेड पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपने पढ़ा व्हाट इज बीम पढ़ा ना, और अभी अभी जस्ट आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा पैरामीटर्स इन रेविट, 11 पेज वाले पीडीएफ में भी आपने पढ़ा था, देखिए क्वेश्चन फंस गया ना, ठीक है, और देखिए तो देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप सामने देख रहे हो, कि टोटल एलियंस हेल्थ इस कंपनी में पूछा गया था व्हाट इज बीम, उसको बारे में एक्सप्लेन करो पैरामेट्रिक के बारे में, ये आपने पढ़ रखा है, और उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या बोलते हैं वी आर चेक द केबल, वो लोग चेक करेंगे मॉडल वगैरह देखे कि मॉडल बना सकते हैं कि नहीं, अभी हमें एक्सप्लेन बीम भी हो गया, रेविट के कमांड्स आपको पता ही, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ आपसे, तो देखिए आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं अभी के लेवल पे, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ मैं आपको, व्हाट इज बीम कॉमन हो गया, रेविट फैमिली के बारे में जस्ट अभी देखा आपने कि रेविट फैमिली के बारे में पूछा गया है, और 11 पेज वाली पीडीएफ में भी दिया गया है, ठीक है, और देखिए मशीन टेस्ट मतलब होता है गाइस कैट टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका एक हो चुका है, अभी एक और होगा, ठीक है, 1-2 दिन के बाद, अब ये प्रैक्टिकल आप देखिए सारे के सारे, बीम रिलेटेड क्वेश्चंस आप सब जान चुके हैं, बीम के टूल्स मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, रेविट के टेस्ट, अब सब क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी सॉफ्ट ड्राइंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रेविट के क्वेश्चंस बेसिक्स पूछे गए जो आप बता दिया मैंने आपको, पॉइंट क्लाउड अभी जस्ट बताया मैंने आपको अगर याद हो तो, और अभी पॉइंट क्लाउड का एक टॉपिक लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है, तो एकदम प्रैक्टिकल देखिए कि हमने जो किया वो सामने दिख रहा है, और भी किसी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे तो आप जिस कंपनी सर्च करिए, जैसे कि BIM जॉब्स इन पुणे, ये मुंबई डाल देते हैं, तो आप देखिए कि जो आपने देख पढ़ा उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, चाहता हूँ आप सामने से देखिए, तो ये देखिए उस कंपनी है, मुझे नहीं पता इन कंपनियों की, इन्होंने जिन्होंने JD दिया होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इनकी ज़रूरत क्या है, ये तो चलिए हो गया, आपके लेवल का प्रोफाइल है बीम मॉड्यूलर, अब आप देखिए बीम मॉड्यूलर के प्रोफाइल में इन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है JD के बारे में, ठीक है, अभी आपने देखा मैंने आपको बोला मैं माइक्रो स्टेशंस का आपको दे दूंगा, मतलब इंट्रोडक्शन आप देख लोगे, रेविट आपकी जरूरत में से आ रहा है, ठीक है,
अभी अभी बीम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, बीम एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में अभी जस्ट पढ़ा है आपको अगर याद हो तो, ठीक है। और मैंने बोला ना कि बीम स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाते हैं, मैं उसको भी बता दूंगा आपको बीम स्टैंडर्ड्स भी, ठीक है। तो देखिए इसमें से जितनी चीजें आप देखेंगे काफी चीजों से ऑलरेडी आप अभी क्लैश डिडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखिए क्लैश डिडक्शन भी आपका आ गया। तो इस तरीके से आपको ट्रेनिंग में मजा तभी आएगा जब इसको पूरा याद कर डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होगी मैं श्योर हूँ कि उसमें से कुछ ना कुछ अपने को अच्छे से आ रहा होगा, फिर इन्होंने जेडी अच्छे से लिखा नहीं है, ठीक है। आपका प्रोफाइल रहेगा बीम मॉड्यूलर का, उसी प्रोफाइल से मैच करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। इन्होंने देखिए रैबिट के बारे में बोला, चलिए आपको आता ही है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है रैबिट फैमिलीज के बारे में, जो आपको आता ही आता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे अभी कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा, आपको बता ही दिया मैंने। बीम एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में पूछा, प्रोजेक्ट वर्क फ्लो अभी आके आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सब कुछ मैच कर रहा है, जस्ट जाके वहां पर परफॉर्म करना है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ गैस कि हम फर्स्ट कंपनी में ही सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट 10 कंपनियों में अगर हमने इंटरव्यू दिया तो ये फिक्स है कि एक आध कंपनी में तो हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए पूजा आपने आपका आज क्या बोलते हैं इंटरव्यू है, राइट, ठीक कितने बजे है, है 12 बजे, ठीक है। उसको दे लीजिएगा, उसके बाद कल मॉर्निंग में अप्लाई करिएगा, ठीक है। और अप्लाई करके अपडेट एक्सेल शीट भेज दीजिएगा कि अभी रिसेंट कहाँ पर अप्लाई किया आपने, ठीक है। और जहाँ का ओपनिंग मिले वहाँ अप्लाई करो, ये नहीं है कि हमको यहीं का अप्लाई करना है, हमें जस्ट ये देखना है कि हम क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और फिर जाना नहीं जाना वो तो बात का डिसीजन है कि नहीं, ये समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया। ये टेक्निकल राउंड में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और एचआर राउंड के लिए मैं दे ही चुका हूँ आपको, जो फर्स्ट पेज है उतना सफिशियंट है एचआर राउंड के लिए, ठीक है। चलो एंड गाइस अभी हम लोग कल रहेगा, कल टेस्ट, कोई भी टेस्ट को स्किप मत करना, उस टेस्ट में यही पूछेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, क्या है, व्हाट इज बीईपी, व्हाट इज कोवी, व्हाट इज बीआईएम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, चार क्वेश्चन ये फिक्स है, ठीक है। रैबिट फैमिली, रैबिट पैरामीटर, 6 क्वेश्चन फिक्स है। अब बोलोगे सर फिर जब क्वेश्चन आप बता ही दे रहे हैं तो फिर टेस्ट क्या देना, उस टेस्ट से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप उस चीज को लिखोगे तो ये चीज एकदम सेट हो जाएगा। और मैं वही चाहता हूँ कि आप कंपनी में जाएं एकदम सेट होके जाएं, कोई भी चीज का दिक्कत ही ना हो आपको, ठीक है। चलिए एंड सबने आई थिंक अप्लाई किया होगा, मैंने कैसे टास्क दिया था, आप लोगों ने टास्क किया नहीं है, एस्टिमेशन दे दिया था मैंने बनाने के लिए, रेविट में एस्टिमेशन किसी ने ट्राई किया, ओमकार ट्राई किया क्या रैबिट में एस्टिमेशन, यस सर, किया है मैंने वेरी एस्टिमेशन। बहुत सुंदर, ठीक हो गया ना, हाँ सर, हो गए ग्रेट। और साहिल इस मॉड्यूल में। बस बस साहिल आपका हुआ क्या, क्योंकि कल क्वेश्चन रहेगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ऑलरेडी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। साहिल आपने किया एस्टिमेशन, सर नहीं सर, एस्टिमेशन नहीं हुई, क्या एस्टिमेशन के बाद सीखा नहीं सर मैंने अभी रैबिट डाल में। दो यूट्यूब पे डाल दो एस्टिमेशन भाई हाँ आकाश पांडे, मेरा ही वीडियो बहुत ढेर सारा है यूट्यूब पे, ठीक है सर, आज ट्राई करता हूँ सर, हाँ कर लो, क्योंकि डेफिनेटली, कल क्वेश्चन है, ठीक है कल सर, ये क्वेश्चन है कि हाउ टू डू द एस्टिमेशन इन रैबिट, स्टेप्स लिखना पड़ेगा, तो तभी कर पाओगे जब देखे रहोगे ना। ठीक है सर, आपके चैनल में अवेलेबल है ना सर यस वीडियो, मेरे ठीक चैनल पे है अवेलेबल सर, मैं देखता हूँ सर अभी क्लास के बाद देखता हूँ। है, यस ठीक है गाइस, फिर आप लोग कल टेस्ट के लिए मिलेंगे, डॉट 10 o'clock पे आ जाएंगे। फैजान क्लास मत मिस करना दोस्त, क्या है हम चाहते हैं यार जिसमें जितने लोग हैं ना सबका पैकेज 5 के आसपास, 4, 5, 3 के ऊपर ही रहे सबका पैकेज, मजा आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए डेली अप्लाई करना है इन 4 to 5 companies, और देखना है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। और मल्लिकार्जुन आज कम से कम 5 companies में अप्लाई करना, ओके यस। इमरान आपने कल जो आपने मॉक में गलतियां हुई थी उनको ठीक किया क्या, समझा क्या प्रॉब्लम कहाँ पर किया, जी सर, जी सर, हाँ तो आज अच्छे से करना, कल टेस्ट अच्छा परफॉर्म करना है, किसी को सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, जब भी अप्लाई कर रहा हूँ तो सब में मिनिमम 3 to 4 years एक्सपीरियंस है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा है। यस देखो कैसे होता है, 3 years तक के एक्सपीरियंस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलोगे सर क्यों, क्या होता है किसी की अगर कोई भी अगर ओपनिंग डाल देता है कि मुझे जस्ट नॉर्मल इतने ही क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कंपनीज के पास इतना ढेर सारा रिज्यूम आ जाता है कि कंपनी को लगता है कि यार किसको शॉर्टलिस्ट करें। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी एक गेम करती है कि वो डाल देते हैं कि भैया हमको चाहिए 3 year experience। अब उसमें क्या होगा, जिसको कुछ नहीं आता वो तो अप्लाई ही नहीं करेगा, डर जाएगा कि 3 year का experience है, तो कंपनी को क्रीम कैंडिडेट्स मिल जाते हैं जिसमें उनको शॉर्टलिस्ट करना आसान हो जाता है। तो कभी कभी देखना तुम उसमें 3 year experience, फिर नीचे लिखा रहेगा 30,000 सैलरी।
अब 3 ईयर का एक्सपीरियंस बीम के अंदर 30,000 में करेगा ही नहीं, समझ गए साहिल? तो उनको चाहिए फ्रेशर, जी सर। ठीक है? अब फ्रेशर मतलब ऐसे फ्रेशर नहीं जैसे लोग होते हैं, आप लोग वैसे फ्रेशर हो नहीं फिलहाल, आप लोग का तो काफी अच्छा है, ठीक है? फ्रेशर मतलब कि जैसे कि अभी जो नॉर्मल फ्रेशर होते हैं, अब उनको कुछ नहीं आता है, स्केचिंग का करना नहीं जानते, आप तो चलिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ जिस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट टू एंड करेंगे, ठीक है? और खुद से करेंगे, मेरा सिर्फ गाइडेंस लेंगे। उससे क्या होगा कि आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ आपको लगे आप तो मैं सब कर सकता हूँ। और उस प्रोजेक्ट को करके जब आप सबमिट करेंगे तब तक में एकदम कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा। किसी ने अपने उसमें ETFs लिखा हुआ था ना, किसी ने अपने पोर्टफोलियो में, आप में से मैंने बोला था एक प्रोजेक्ट सर सबमिट मैं मैं नहीं कर रहा सर साहिल, आपने अभी वो कल याद करके मेरे से प्रोजेक्ट लीजिएगा और आप मुझे मंडे को प्रोजेक्ट दिखाइएगा, सबमिट करिएगा। सर अभी मैं उसको निकाल लेता हूँ सर, ईटा क्योंकि उतना परफेक्ट नहीं है सर, फिर भी आप वो दिन सर मैं ट्राई करता हूँ सर नहीं अब। दूंगा ना, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, बहुत छोटा ही ठीक रहेगा, है ठीक है? मैं जस्ट देखना चाहता हूँ आपका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है सर, ज़्यादा नहीं है सर, ईटा में एक्यूरेसी बहुत तो आप छोटा। हटा देंगे ना उसको, जी सर हटाने से पहले मुझे चेक करना है, ठीक है सर, ठीक है चलो ठीक है गाइस, विल कंटिन्यू टुमारो विद द टेस्ट, होप सो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आए, एंड विल सी यू टुमारो।